आजकल जमीनी विवाद काफी बढ़ रहा है, जहां इसको लेकर हत्या भी हो रही है। वहीं जमीनी विवाद का अजीबोगरीब एक मामला महाराजगंज में प्रकाश में आया, जहां महाराजगंज शहर के हल्दीहटा में जमीनी विवाद का मामला कैलाश प्रसाद व गुड़िया देवी के बीच का है, जो महाराजगंज थाने पर जनता दरबार में जमीनी विवाद का मामला है, जहां दोनों पक्षों को बुलाकर कागजात देकर अंचल पदाधिकारी रविन्द्र राम ने जमीन का सरकारी अमीन से नापी करवाई। जमीन की नापी के बाद जनता दरबार में दोनों पक्षों को अपने अपने हिस्से को घेरने का आदेश देकर मामले को समाप्त कर दिया। वहीं गुड़िया देवी के पक्ष के हिस्से को कब्जा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन की देखरेख में दीवार की घेराबंदी करवा दी। फिर एक इस जमीन विवाद के सब कुछ फाइनल करने के बाद व कब्जा दिलाने के बाद जमीन पर 144 टाइटल सूट दायर कर दिया गया। इस पर दूसरे पक्ष का गुड़िया देवी आरोप है कि जब सब कुछ फैसला व कब्जा होने के बाद 144 धारा लगाने के पीछे कहीं न कहीं अंचल पदाधिकारी का ये रवैया निष्पक्ष नहीं है। वहीं जब मेरे कब्जे होने व 144 लगने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा दीवार गिराने पर भी कोई कार्रवाई न होना, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। जमीनी विवाद के मामले पर गुड़िया ने महाराजगंज के एसडीओ संजय कुमार से मांग की है कि जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरे पक्ष द्वारा हमें हमेशा परेशान किया जा रहा है। सिवान से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जो जमीन है 11 धूर, उसमें मैं अपना जनता दरबार में अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जमा की और सीओ साहब ने 2 बार नापी का आवेदन मेरा स्वीकार किया और मुझे अनुमति मिली, जो मैं नापी करवाई। उसके बाद फिर सीओ साहब ने ऑन लीगल मेरे जमीन पे 144 धारा लगा दिया, जिससे मैं अभी एसडीओ कोर्ट में आ रही हूँ और मेरे जमीन को पिलर उलर मेरा उखाड़ दिया गया है 144 लगने के बाद, और ईंट भी उखाड़ दिया गया है। और यही मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे मेरा जमीन है उसको मैं अपने कब्जा में लेना चाहती हूँ, जिसको मैं बनवा सकूँ। उच्च अधिकारी से क्या अपील है? अपील यही है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मुझे न्याय मिले। एक बार अपन परिचय बता देंगे। मेरा नाम गुड़िया देव। पिछले 10 दिन पहले से जनता दरबार में एक पिछले मेहता का जमीन का मैटर आया था, दोनों पक्ष को बुलाकर प्रशासनिक अधिकारी को भेज कर उसको दीवार भी जोड़ाया गया सर। उसके बाद फिर सर उस पर 144 लगा दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ऐसा नियम है रिवेन्यू का, जो है प्रश्नावली में 144 भी लगाया जाता है दोनों पक्ष को शांति के लिए। तो आखिर सर फैसला होने के बाद भी सर ऐसा? तो फैसला होने के बाद अगर यदि रेती जमीन है तो वो टाइटल सूट का मामला बनता है और हकीकत बाद में जाए वो। और बोलिए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।